महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जुगाड़ वाली सरकार बनने के बाद से राज्य पुलिस की जितनी किरकिरी हुई है उतनी कभी नहीं हुई। खास तौर से मुंबई पुलिस तो सबसे ज्यादा बदनाम हो चुकी है। सचिन भजे से लेकर परमवीर सिंह तक लंबी लिस्ट है। एंटीलिया मामला, मनसुख हिरेन केस, अनिल देशमुख का वसूली कांड, कई बड़े बड़े कारनामे मुंबई पुलिस के खाते में दर्ज हैं। वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे अनिल देशमुख तो पहले से ही फरार चल रहे हैं। अब खबर है कि अनिल देशमुख की लंका में आग लगाने वाले मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह भी फरार हो गए हैं। माना जा रहा है कि परमवीर सिंह देश छोड़कर भाग चुका है और रूस में किसी स्थान पर छिपा हुआ है। इससे पहले राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर भी इस तरह की खबरें आ चुकी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई समन की अनदेखी कर चुके देशमुख के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। परमवीर सिंह को लेकर जताई जा रही आशंकाओं पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि सरकार उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। परमवीर सिंह मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं। फिलहाल वे महाराष्ट्र होमगार्ड के डीजी हैं। पुलिस कमिश्नर के पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने दावा किया था कि तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस के बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वजे को 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दे रखा था। बाद में इन आरोपों के चलते देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना है कि जांच एजेंसीज को इस बात का शक है कि परमवीर सिंह देश छोड़कर भाग गए हैं और एजेंसीज को उनके ठिकाने की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ उनका मंत्रालय भी उनका पता लगाने की कोशिश कर रहा है। परमवीर सिंह के रूस भागने की खबरों पर पाटिल ने कहा कि मैंने कुछ ऐसा सुना है, लेकिन एक सरकारी अधिकारी होने के कारण वह सरकार की इजाजत के बिना विदेश नहीं जा सकते। अगर वह चले गए हैं तो ये अच्छा नहीं है। उन्होंने बताया कि कई बार पेश होने के लिए नोटिस जारी होने के बाद परमवीर सिंह जांच एजेंसीज के सामने नहीं आए, जिसके बाद उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। परमवीर सिंह एंटीलिया बम कांड, मनसुख हिरेन हत्याकांड और मुंबई पुलिस द्वारा जबरन वसूली समेत कई मामलों में घिरे हैं। एनआईए ने उन्हें एंटीलिया और मनसुख हिरेन मामले की जांच के लिए कई नोटिस जारी किए हैं। महाराष्ट्र के मंत्रियों की ओर से मुंबई पुलिस द्वारा जबरन वसूली के आरोपों की जांच कर रहा है। परमवीर सिंह स्वास्थ्य कारणों से 5 मई से छुट्टी पर हैं। उन्होंने राज्य सरकार को सूचना भेजकर अपनी छुट्टी को बढ़ाने की मांग की थी। उनका आखिरी पत्र अगस्त के दूसरे सप्ताह में सामने आया था, जिसमें 29 अगस्त तक छुट्टी बढ़ाने की मांग उन्होंने सरकार से की थी। उसके बाद से उनसे किसी तरह का कोई संवाद नहीं हुआ है। परमवीर सिंह ने वकीलों के जरिए अपने खिलाफ चल रहे मामलों में एफिडेविट दायर किया था, लेकिन जांच एजेंसीज के सामने पेश होने के नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में उनके वकीलों का कहना था कि परमवीर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं, लेकिन अभियोजन पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।